झारखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार। हजारीबाग में बोले, जब जब बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। सीएम योगी ने कहा, जातियों के नाम पर बटिए मत, एक रहिए नेक रहिए। समय बटने का नहीं, मोदी के साथ चलने का है। सीएम योगी ने कहा, अपनी ताकत का एहसास कराइए, आज यात्रा रोक रहे कर घंटी और शंख नहीं बजने देंगे। योगी ने कहा, पहले देश को औरंगजेब ने लूटा, अब झारखंड को आलमगीर आलम लूट रहे। योगी ने कहा, बीजेपी देश की सुरक्षा की गारंटी, बीजेपी ही माफियाओं का इलाज कर सकती है। रांची की रैली में बीजेपी पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा, बांटने और काटने का एजेंडा बीजेपी और आरएसएस का है, झारखंड के लोगों से इनसे सावधान रहने की जरूरत। मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर अटैक, कहा, विकास के नाम पर सब कुछ बेच रहे। योगी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी की नीति ही काटने और बांटने वाली, कांग्रेस जोड़ने और जीतने की नीति पर विश्वास करती है। सचिन पायलट ने कहा, सीएम योगी झारखंड की जनता का ध्यान भटका रहे, चुनाव में विकास और मुद्दों की बात होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, बांग्लादेशी घुसपैठिया झारखंड के लिए खतरा, इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना बीजेपी का संकल्प है। झारखंड में सोरेन सरकार सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का दावा। रांची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस को बताया फुसबम, कहा, कोई डूबी नया में नहीं बैठना चाहेगा। झारखंड चुनाव के लिए एनडी गठबंधन का घोषणा पत्र जारी, 7 गारंटियों का किया ऐलान। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, हमने जो गारंटी दी अपने बजट को ध्यान में रखकर दी है। खड़गे ने पीएम मोदी को भी दिया जवाब, कहा, हम जो गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं करते। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, हम अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत काम करेंगे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले, पिछली बार भी जो हमने घोषणा पत्र में कहा था उससे ज्यादा काम किया। बीजेपी ने जेएमएम और कांग्रेस को घुसपैठिया गठबंधन बताया, कहा, इनकी सरकार में रोटी बेटी और माटी सुरक्षित नहीं। महाराष्ट्र में कल चुनाव प्रचार करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अमरावती, वासिम और अकोल में करेंगे जनसभा। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शरद पवार का चुनावी राजनीति के संन्यास के संकेत, बोले, कहीं तो रुकना पड़ेगा, अब नहीं लड़ूंगा चुनाव। कल महाविकास अघाड़ी का ज्वाइंट मैनिफेस्टो होगा लॉन्च, मुंबई में राहुल गांधी भी होंगे शामिल। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया रोड शो, बीजेपी के समर्थन में मांगे वोट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा, संघ का एजेंडा पहले देश, अगर इस रास्ते पर चलना गलत तो हम बार बार चलेंगे। देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर अटैक, कहा, इनका झूठा नैरेटिव नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में बनेगी महायुति की सरकार। सीएम के सवाल पर बोले देवेंद्र फडणवीस, महायुति के नेता तय करेंगे कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। बागियों पर उद्धव ठाकरे का एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर 5 नेताओं को पार्टी से निकाला। संजय राउत ने फिर ईवीएम को लेकर उठाए सवाल, कहा, इसे लेकर लोगों के मन में आज भी संदेह, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव की संभावना नहीं। एनसीपी गुट के उम्मीदवार नवाब मलिक का बयान, कहा, शरद और अजित पवार साथ आए, दोनों एनसीपी के कार्यकर्ता यही चाहते हैं। बूढ़े की कस्बा पेड़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी हेमंत नारायण रासने का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। संजय राउत के भाई सुनील राउत के खिलाफ FIR दर्ज, शिंदे गुट की प्रत्याशी सुवर्णा करंजे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। सचिन पायलट ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को मजबूत बताया, कहा, बीजेपी की लूट का महाराष्ट्र की जनता जवाब देगी। IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए DGP, चुनाव आयोग ने किया नियुक्त। कर्नाटक उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम DK शिवकुमार, सभी तीन सीट कांग्रेस लाएगी। यूपी उपचुनाव की तारीख बदलने से नाराज अखिलेश यादव, कहा, बीजेपी को डर, त्योहारों की छुट्टी पर आए लोग कहीं वोट न डाल दें, सरकार और प्रशासन लोगों को वोट देने से रोक रही, सपा सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया। रायबरेली में राहुल गांधी ने दिशा समिति की बैठक की, स्थानीय नेताओं के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दी मान्यता, 16,000 मदरसों को मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही, इसकी मान्यता खारिज नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शिक्षा के मानकों को रेगुलेट कर सकती है सरकार, लेकिन मदरसों के दिन प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, महमूद मदनी बोले, आज भारत का मुसलमान डरा हुआ। मदरसों में बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सबक लेना चाहिए। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी यूपी सरकार, मंत्री दानिश अंसारी का बयान। झारखंड में अवैध खनन मामले में CBI का एक्शन, 3 राज्यों में 16 जगहों पर CBI ने की रेड। छापेमारी में 50 लाख रुपए कैश बरामद, 1 किलो गोल्ड और चांदी के जेवरात भी बरामद। झारखंड में पंकज मिश्रा के करीबियों के ठिकाने पर की गई रेड, अवैध माइनिंग केस में की कार्रवाई। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा, 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा, संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। अब यूपी सरकारी सीधे कर सकेगी DGP की नियुक्ति, प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। सपा चीफ अखिलेश यादव का तंज, व्यवस्था बनाने वाले क्या खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, कैनबरा में अपने समकक्ष से की मुलाकात, कई मुद्दों पर बात। दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात हुई। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलेगा 35% रिजर्वेशन। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिल्ली में एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और गजेंद्र शेखावत भी रहे मौजूद।
निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हर निजी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती सरकार, पुराना फैसला विशेष आर्थिक समाजवादी विचारधारा से था प्रेरित। कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एकल पट्टा मामले में हाईकोर्ट के आदेश रद्द। मुड़ा जांच को सीबीआई को सौंपने का मामला, कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सीएम सिद्धरमैया को नोटिस जारी किया गया। कर्नाटक सीएम कल मैसूर लोकायुक्त पुलिस के सामने होंगे पेश, कहा मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया। क्रिकेटर विराट कोहली के बर्थडे पर रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का तोहफा, पूरी बीच पर उनकी कलाकृति बनाई। राजनीतिक बंधु चितरंजन दास की जयंती, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी श्रद्धांजलि। नायक हायक से लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की हुई शुरुआत, दिल्ली में झाग वाली यमुना में पूजा को मजबूर हुए श्रद्धालु। लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत अभी भी खराब, पीएम मोदी स्वास्थ्य के बारे में ले रहे जानकारी, दिल्ली एम्स में भर्ती हैं शारदा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोक गायिका शारदा सिन्हा का जाना हाल, एम्स पहुंचकर शारदा के बेटे अंशुमान से की मुलाकात। पटना के पाटिल पुत्र छठ घाट पर भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पटना के सूर्य मंदिर पहुंचे लालू यादव और मीसा भारती, पूजा अर्चना के बाद तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, बवाना आनंद विहार समेत कई इलाकों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार की नजर, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव, आईटीओ इलाके में भी पानी का छिड़काव हुआ। पंजाब में नहीं थम रही पराली जलाने की घटनाएं, अमृतसर में जलाई गई पराली। हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा हर साल पराली जलाने की घटनाएं कम हो रही, सब्सिडी पर मशीनें दे रही है सरकार। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, यह हमला चिंताजनक, घटना को लेकर भारत गंभीर है। कनाडा में चरमपंथी ताकतों को पॉलिटिकल स्पेस, विदेश मंत्री जयशंकर का अटैक। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले कनाडा में हिंदू मंदिर हमले पर सरकार की नजर है, देश के नागरिकों की रक्षा करना हमारी पहली प्राथमिकता। डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसा मजबूत, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 84.10 रुपए रही। शेयर बाजार में आखिरी सेशन में जबरदस्त खरीदारी, 694 अंक चढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 24,213 पर बंद। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत की महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर की छलांग, 9वें स्थान पर बनाई जगह, स्मृति मंधाना ने अपना 4था स्थान रखा बरकरार।